देखिए आज हम लोग क्लास दसवां के मीन मोड मीडियन एकदम 3 मिनट के अंदर सब फार्मूला और आपको सब समझा के खत्म कर देंगे। देखिए खाली भूख नहीं रहे हैं, आपको बता के दिखा देंगे। देखिए कैसे फार्मूला लिखते हैं, मीन आपको निकालने के मन किया जाता है। ये तो सिंपल मतलब फार्मूला जानते हैं कि एक्स का बराबर देंगे बार, क्या देंगे बार, तथा क्या होता है सिग्मा, सिग्मा मतलब जोड़ होता है, एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी और एक्स आई मतलब जो क्लास पास का जो निकलता है वो नसो, और बटा यहाँ सिग्मा एफ आई निकल गया, मतलब ये फार्मूला फूका गया। यहाँ क्या क्या पता चला, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का जोड़ मतलब फ्रीक्वेंसी और ये जो क्लास मास जो आधा आता है उसका इंटू करके लिखना पड़ता है। फिर देखिए एक और एक स्टेप डेविएशन, ये भी क्या निकालते हैं मीन निकालते हैं, लेकिन ये क्या होता है एज्यूम मीन मेथड से क्या निकालते हैं बड़का ये लिखते हैं, या फिर देखिए बड़का ये प्लस सिग्मा, यहाँ एफ आई लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं डी आई लिखते हैं और बटा यहाँ सिग्मा एफ आई लिखते हैं। अब देखिए ये बंदरबेंट का कहा है, देखिए यहाँ ये सो आपका ये मानना पड़ता है, एज्यूम करना पड़ता है, क्या करते हैं एज्यूम करते हैं, इसको और तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ लिख सकते हैं छोटका ये और प्लस सिग्मा एफ आई, यहाँ एक्स आई और ऐसे फूकिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब आते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड आपको पूछा जाता है तो ये रहता है ये प्लस, यहाँ देखिए सिग्मा एफ आई और यहाँ मान लीजिए यू आई रहता है, ठीक है यू आई रह गया और उसके बाद सिग्मा यहाँ एफ आई हो गया, और बाद बकलावा एच से गुना कर दिया, क्या कर दिया एच से, एच मतलब क्या होता है कितना इंटरवल है, कितना कितना मतलब उसका डिस्टेंस कहते हैं, मतलब कहते हैं हाइट है, समझे वो होता है। अब यहाँ बकलावा एक और लिख सकते हैं एक तरह से और लिख सकते हैं एनसीईआरटी की भाषा में, ये आपका किसके भाषा में आपका आर एस अग्रवाल के भाषा में, देखिए ये प्लस यहाँ सिग्मा एफ आई यहाँ यू आई कर दीजिए बटा सिग्मा एफ आई कर दीजिए और यहाँ इंटू एच कर दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। आप बोलेगा बकलोलवा यू आई क्या है, तो यू आई देखिए क्या है, यू आई बराबर है आपका क्या चीज एक्स आई माइनस ए और बटका एच से डिवाइड कर दीजिएगा यू आई निकलेगा। ये सब आप पढ़े होंगे तभी रिविजन कर पाइएगा, ना तो ऐसे करेगा कि ना समझ मार लो अभी मीन मोड ये खत्म नहीं होगा, मारा ना समझ आया, तो इस तरह से इसी में खत्म नहीं होगा। देखिए आप आते हैं मोड़ का फॉर्मूला, मोड़ का बड़का का फॉर्मूला, लेकिन याद करेंगे तो एकदम चुटकी कर देंगे। आइए देखते हैं यमी एम वो एम से मोड़ होता है तो एम और वो कर दिए मोड़ हो गया, तो मोड़ का फॉर्मूला ऐसे करके बंदा फिर फॉर्मूला होगा। देखिए आइए हम बताते पड़े बढ़िया फॉर्मूला लेते हैं एफ के, हाँ हाँ अभी मैं समझेंगे एफ के प्लस, देखिए यहाँ एच भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ एफ के लिखेंगे एफ के माइनस एफ के माइनस वन, अभी हम अब चुप रहिएगा देखिएगा, हाँ बोलिए कहा रहे हम, यहाँ देखिए टू एफ के माइनस यहाँ कितना लिखेगा एफ के माइनस वन माइनस एफ के प्लस वन और यहाँ होगा इंटू एच होगा, क्या होगा एच, एन आई इंटू कीजिए चाहे एन आई कीजिए कोई दिक्कत नहीं, एक तरह से आर लिखता है बंदा तेरी फार्मूला, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ एल लिख देता है, क्या लिख देता है एल, देखिए यहाँ एल लिख देता है, एक जगह एल लिखता है, अका जगह में प्लस एच के एच रखता है, ऐसे करता है कुटुर कुटुर कुटता है, और एफ के जगह में लिखता है एफ वन लिखता है बुक में एफ वन लिखता है एफ वन, ठीक है, और बस वन में से वन घटाएगा तो जीरो हो जाएगा, यानी एफ जीरो हो जाएगा। देखिए अरे भैया हाँ यहाँ देखिए यहाँ के भाषा वन, तो यहाँ कितना होगा टू के वन होगा, टू के वन होगा, टू के वन हो गया, उसके बाद देखिए माइनस का माइनस, देखिए ना बबुआ देखिए भैया, देखिए यहाँ वन में से वन गया जीरो, यानी यहाँ जीरो हो जाएगा, फिर माइनस, यानी कहने मतलब यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ टू हो जाएगा खत्म, ऐसा से इसको रख दीजिए। देखिए अब क्या बात है, यहाँ देखिए आपके जो मतलब फ्रीक्वेंसी लेना है वकर पीछे वाला है, मतलब जो लीजिएगा ऐसे मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी मेरा आ गया ये वाला, तो वकर जो ऊपर वाला होगा ना वो होगा एफ के माइनस वन होगा, और नीचे वाला क्या होगा एफ के प्लस वन होगा, इससे इसको लोगे इसको मैं इसमें देखिएगा ध्यान दीजिएगा, तो एफ के कौन होगा मान लीजिए एफ के है, एफ के मतलब ऊपर वाला एफ जीरो हो गया ये वाला, और एफ के मतलब एफ के नीचे एफ टू वाला ये वाला होगा, और एच क्या होगा इंटरवल के बीच वाला जो डिस्टेंस वाला जो होता है सो वाला मतलब हाइट उसको कहते हैं, और यार क्या है जो ये वाला फ्रीक्वेंसिया के जो आया होगा क्लास मार्क्स में जो लोअर लिमिट होता है वही वाला लिखते हैं, कितना जल्दी हम लोग कंप्लीट कर लिया, ग्यारह देखते हैं एक और लास्ट हमारा बचा है तो एक मिटा लेते हैं तभी पार कर पाएंगे, कहाँ लिखेंगे ना देखे दिखे कहीं नहीं, देखिए यहाँ मिटा लेते हैं बढ़िया फ्रेश था, देखिए इसको मिटा लेते हैं जी मेथड को बाद रहने देते हैं और आपको देखते हैं पूछते हैं इसे से कंप्लीट कीजिए एकदम दो दो सेकंड में होगा, आपको समझा रहे इसीलिए तो टाइम लग रहा है, तो हम 32 सेकंड एकदम एक मिनट के अंदर में पूरा फूक देते हैं सब फॉर्मूला को लिख के और समझा भी देते हैं तुरंत, अरे भैया देखिएगा प्रैक्टिस कीजिएगा फूकने रहे, देखिए आइए ये मी हम साफ थोड़ी है जो फूकेंगे है, ये मी मतलब क्या होता है मीन, क्या होता है मीन, अब देखिए इसका फॉर्मूला देखिए इसमें भी गड़बड़ आता है, चलो देखिए यहाँ आई लिखता है, ठीक है एफ आई प्लस
यहाँ एच होता है ठीक है, और यहाँ होता है एन बटा टू माइनस यहाँ सी एफ होता है और बटा यहाँ एफ होता है, यह पता फ्रीक्वेंसी और सी एफ मतलब होता है कम्युनेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको ऐसे करके गिना, ऐसे करके ब्रैकेट बंद कर दीजिए। आप देखिए इसको एक और तरह से लिख सकता है बचपन, देखिये एल प्लस यहाँ करता है एच ब्रैकेट एन बटा टू, एन बटा क्या है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, माइनस यहाँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है और बटा फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कीजिएगा तब हो जाएगा। देखिए कितना जल्दी कर दिया, इतना जल्दी होगा हो और चैप्टर पढ़ने में लगता है एकदम 15-20 मिनट लगेगा कि नहीं पढ़ेंगे अब नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कितना दो दो तीन तीन मिनट के अंदर में हम लोग क्या करते हैं इसको रोन देते हैं। यहाँ सी एफ क्या है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, यह क्या है फ्रीक्वेंसी है, एच क्या हाइट है, अरे भैया देखिए इंटरवल में देता है 10 से 20 तो हाइट हो गया 20 ना, 10 होगा ना, अरे गैप 10 है ना तो 20 कैसे हो जाएगा, यहाँ बोलेंगे 20 से 40 कर देंगे तो एच कैसे हो जाएगा 20, तो तुरंत थ्री है एक्स बराबर क्या है वो लोअर लिमिट है, जो फ्रीक्वेंसी रहेगा उसका ही लोअर लिमिट है। तो इस तरह से हम आशा करते हैं कि आपको क्या मीन मोड मीडियम आपको फार्मूला दो दो मिनट के अंदर में आप लिखिए प्रैक्टिस कीजिए, अरे तब कभी भूलिए मत, तो जमा पास खोखर लगते माथा एक खोखर लगते गिर ये वाला फार्मूला भूल गए, यहाँ के था कि एफ के वन था हमारा ये समझो ना, ऐसे ऐसे करते रहते हैं वहाँ एक ढीला निकाल देते हैं एकदम काट के तो जल्दी याद करो जल्दी करो, इस तरह से करते हैं यार ऐसे लिख देते हैं समझे, तो इस तरह से ज्यादा मत कीजिए, एक बार दो तीन बार लिखते रहिए और कंप्लीट हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा, ढीला मतलब ना रहा मकड़ी मतलब कुछ कीड़ा निकाल देता है यहाँ से लेडीज लोग, लड़कियों तो यार करती रहती है एकदम बाल ऐसे रखे कि बांधे ऐसे खपटक ऐसे करके कोई लड़कियां देखेगा लड़का भी देखेगा तो एकदम बांधेगा ऐसे करके ऐसे, अब 50 को यहाँ बांधा रहती तो उसका बाल कैसे खराब होता है, वैसे करती है कि तो लड़को मुस्कुरा देता है चल 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 ठीक, इसी तरह से हो गया ठीक है। आशा करते हैं कि आपको पूरा मीन मोन मीडियम एकदम पूरा खत्म हो गया, थैंक यू, मिलेगा नेक्स्ट क्लास में।